प्रदेश का भाईचारा बिगड़ रहा है। अब ये खट्टर सरकार की के ऊपर है किस प्रकार से वो उनकी बात को मानते हैं। और मेरी अपील है दोनों से, अमित शाह जी की, वो अपनी इस यात्रा को कैंसिल कर दें और यशपाल मलिक से की वो भाईचारे को खराब ना होने दें। इन्हें लोग विरोध कर रहे। आगामी 15 फरवरी को जींद में होने वाली बाइक रैली को लेकर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को नसीहत दी और कहा कि जिस तरह रैली से पहले ही प्रदेश में विरोध के स्वर फूटने लगे हैं, इनेलो पार्टी काले झंडे दिखाने की बात कर रही है तो जाट समुदाय भी शाह को हरियाणा में आने से रोकने की बात कह रहा है। ऐसे में शाह को चाहिए कि वे अपनी रैली रद्द कर दें ताकि हरियाणा का भाईचारा भी बना रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। वे आज यूथ कांग्रेस की पोल खोल पदयात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यशपाल मलिक के जाट आरक्षण वाले बयान पर उन्होंने कहा कि अगर इस मामले का उनका हाथ नहीं है तो उन्हें इस पर तुरंत सफाई देनी चाहिए। जिस तरह इस मामले में कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का नाम सामने आया है, उसी तरह यशपाल मलिक को चाहिए कि जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में हुई निर्ममता का खुलासा करें कि उसमें किसका हाथ था। गोवा में मंत्री वाले बयान को गोवा को हरियाणा मत बनाओ पर उन्होंने कहा कि यह बयान साफ करता है कि प्रदेश में तराई तराई मची हुई है और सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चिरंजीव राव ने कहा कि पदयात्रा के दौरान उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब लोग यह मान चुके हैं कि बीजेपी को वोट देना उनकी सबसे बड़ी भूल थी जिसे अब वह नहीं दोहराएंगे। अब लोग पूरी तरह कांग्रेस के साथ हैं जिससे तय है कि अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी फिर सरकार बनाएगी। चिरंजीवी राव की आज जो है यात्रा धारवाड़ा, जो सबसे बड़ा हमारा रेवाड़ी हल्के का, रेवाड़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा कस्बा है और सरकार की जो भी नाकामियां हैं उसको उजागर कर रहे हैं। और अभी आपने अखबार में आज पढ़ा भी होगा कि गोवा के एक मंत्री ने ये कहा है कि गोवा को हरियाणा ना बनाएं। मैं समझता हूं ये टिप्पणी खट्टर सरकार के बारे में है, जिस प्रकार से हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और जो इतने सारे हादसे हो रहे हैं, यानी कि 8 महीने से लेकर और 12-13 साल की जो महिलाएं हैं उनके साथ जो उनकी इज्जत से जो खेला जा रहा है उस बात को लेकर। और दूसरा, आज बॉर्डर पे भी जो है रोज, कल भी जो है हमारे एक आर्मी के कैंप के ऊपर अटैक हुआ है। जो मोदी जी कहा करते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, 1 सिर लेके आएंगे, 10 सिर लेके जाएंगे, उसके विपरीत सारा चल रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है। आज आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल तो खाने पीने की सब चीजें हैं, सब इतनी महंगी हो गई हैं। 15 फरवरी को बीजेपी रैली कर रही है, अमित शाह आ रहे हैं रैली में, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, यशपाल मलिक और ये काम है सरकार का, किस प्रकार से प्रदेश का भाईचारा बिगड़ रहा है। अब ये खट्टर सरकार की के ऊपर है किस प्रकार से वो उनकी बात को मानते हैं। और मेरी अपील है दोनों से, अमित शाह जी की, वो अपनी इस यात्रा को कैंसिल कर दें और यशपाल मलिक से की वो भाईचारे को खराब ना होने दें। इन्हें लोग विरोध कर अभी तक गए हैं, करीबन 40 गांव हम रेवाड़ी में जा चुके हैं और हर जगह पर लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। आज हमारी पदयात्रा धारवाड़ा पहुंची है और यहां पर जिस तरह का हमें जनसमूह यहां पर मिला, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जन विरोधी भाजपा सरकार से लोगों के अंदर अब बहुत ज्यादा रोष है और आने वाले समय के अंदर इन लोगों ने मन बना लिया है कि वे कांग्रेस पार्टी को फिर से वापस लेके आना है। 2019 देखिए, अभी पिछले दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि 3 जगह उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर, वहां भी कांग्रेस पार्टी ने भारी मतों के साथ जीत दर्ज करी और उसी के तर्ज के ऊपर हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर जल्दी लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो जाए, तो उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप चुनाव लड़ने के रूप में हैं 2019 का चुनाव? देखिए, वो तो पार्टी हमारी फैसला करेगी भी कौन सा चुनाव कौन लड़ेगा, पर हम अपनी तरह से पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो, हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। 15 फरवरी को पिछले समय के अंदर आपने देखा होगा कि एनजीटी ने भी कहा है कि कितना प्रदूषण होगा अगर 1 लाख बाइक अगर हमारे एक साथ रोड पर उतरेंगे, और आप तो देख ही रहे हो कि प्रदूषण किस हिसाब से पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि उनको अपनी ये जो बाइक रैली है कैंसिल करके जमीन पे आकर
लोगों के बीच में आए तो ज्यादा बेहतर रहे, कहीं ना कहीं चारों आज इससे कहीं दंगा भड़कने की भी उम्मीद है। देखिए मेरा ये मानना है कि लोगों की किसी भी तरह से अगर ठेस अगर किसी भावना को पहुंचती है तो मुझे लगता है उस चीज की तरफ कैंसिल कर देने में उनके लिए भलाई है। देश विदेश की राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।